ब्रेक पर जाने से पहले एक बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे थे जिसमें भारत की जनसंख्या को लेकर जिक्र था। भारत की जनसंख्या जिसमें क्या कहती है बहुसंख्यक आबादी, क्या कहती है अल्पसंख्यक आबादी, और इसमें हैरान करने वाला खुलासा ये सामने आया है कि इसमें जो बहुसंख्यक आबादी है यानी कि जो हिंदुओं की संख्या है वो 1950 से 2015 तक कमी उसमें आई है, 7.82% की कमी आई है, यानी कि हिंदू आबादी कम हो गई है। कंपैरेटिवली मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा बढ़ी है और जानते हैं 43% का इजाफा इसमें देखा गया है, और सिर्फ मुस्लिम आबादी नहीं बल्कि इसमें सिख और ईसाई आबादी भी आती हैं, उनको भी कंपैरेटिवली बढ़ते हुए देखा गया है। अब इसको लेकर इंडिया न्यूज़ कुछ सवाल पूछ रहा है, खास मेहमान भी इस पर जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सवाल ये जनसंख्या पर जो 5 अहम सवाल हैं, मुस्लिम आबादी बढ़ी फिर कैसे मुसलमान खतरे में है, क्योंकि बार बार रह रहकर ये सवाल आता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में है। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून क्या अब जरूरी हो गया है जिसका जिक्र बार बार होता है? बीच चुनाव रिपोर्ट जारी करने का कारण क्या ये सियासी हो सकता है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं, ऐसे में ये रिपोर्ट सामने आना क्या ये चुनावों के बीच में अलग तरीके से असर डालने के लिए है? मुस्लिमों को खतरे वाला नैरेटिव आखिर ये कौन बना रहा है, क्या जानबूझकर ये धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश हो सकती है? सवाल एक और ये भी कि मुस्लिमों की बढ़ती आबादी जनसंख्या का कारण आखिर है क्या? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानना जरूरी हो जाता है, जिस पर गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ प्रमोद मिश्रा जी भी हैं, हमारे साथ HS रावत जी भी हैं, और मौलाना शहाबुद्दीन से हम सवाल कर चुके हैं। उनका ये कहना है कि जो पढ़ी लिखी मुस्लिम फैमिलीज हैं वहाँ पर जनसंख्या आपको यानी कि जो परिवार के मेंबर्स हैं जो बच्चे हैं वो कम मिलेंगे, जबकि जहाँ पर शिक्षा का अभाव है यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं वहाँ ये संख्या ज़्यादा मिलेगी, यानी कि परिवार में मेंबर्स यानी कि बच्चे ज़्यादा मिलेंगे। बरखा त्रेहन भी हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। HS रावत जी का मैं रुख कर लेती हूँ। HS रावत जी, बार बार चुनावी माहौल में भी और इसके इतर भी देश में एक आवाज़ उठती है कि मुसलमान खतरे में हैं, ये जो आबादी का आंकड़ा है इससे लग रहा है कि क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं, मुसलमान कोई खतरे में नहीं है, मुसलमानों से पूरा वर्ल्ड खतरे में जरूर है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मुसलमानों की जो सोच है जब से इस्लाम शुरू हुआ तब से लेके आज तक एक ही सोच है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि ये जो पृथ्वी है ना ये तुम्हारे इस्तेमाल के लिए है, ये जो काफिरों की बहन बेटियां हैं ये सब तुम्हारे इस्तेमाल के लिए, इस तरह के शब्द इनके साहित्य में मिलते हैं, इसलिए खाओ पियो बच्चे पैदा करो, बच्चा पैदा करना अल्लाह की देन है, जितने मर्जी पैदा करो अल्लाह देगा ऊपर से, यानी इनको न देश से कोई मतलब है, न इनको किसी पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब है, न इनको इकोनॉमी से मतलब है, सिर्फ बच्चे पैदा करना। HS रावत जी, क्या आप अपनी बात में एक एडिट करना चाहेंगे, क्या इसमें थोड़ा आप संशोधन या बदलाव करना चाहेंगे, क्या आप ये कहना चाहेंगे कि जो पढ़ी लिखी मुस्लिम फैमिलीज में है वैसा यहाँ नहीं है, बल्कि जहाँ अशिक्षा है फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, और कंपैरेटिवली मुस्लिम फैमिली ज्यादा पिछड़ी या फिर बिना पढ़ी लिखी गांव देहात के इलाकों में है उसका ये असर है? सभी को एक जैसा तो नहीं आका जा सकता। रचना जी, मैं इसमें संशोधन इसलिए नहीं करना चाहूंगा, पढ़ी लिखी पॉपुलेशन तो मुसलमानों की लंदन में भी पूरी है, 100% एजुकेशन है, लेकिन वहाँ जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? फ्रांस में फुल एजुकेटेड है वहाँ जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? जर्मनी में फुल एजुकेटेड है वहाँ क्यों बढ़ रही है? अमेरिका में क्यों बढ़ रही है? यानी जहाँ जहाँ डेवलप कंट्रीज हैं वहां पर इनकी संख्या क्यों बढ़ रही है ये तो बता दो। चलो हिंदुस्तान में मैं मान सकता हूँ, जैसे साहबुद्दीन साहब ने बोल दिया, पढ़े लिखे आदमी, उन्होंने कहा कि भाई हम मुसलमान अनपढ़ है, अरे अनपढ़ तो हिंदू भी है, बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं, लेकिन एक टारगेट लेकर के कि पूरी पृथ्वी पर इस्लाम फैलाना है ये इनका सोच है, हमेशा से सोच रही है, तो इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते, इसको साहबुद्दीन साहब भी डिनाई नहीं कर सकते। इसलिए जनसंख्या बढ़ाना और देश पे अधिकार प्राप्त करना यानी उसको इस्लामिक राष्ट्र बनाना, अलग नजर से देखते हैं, और सोच है कि चाहे पढ़े लिखे हैं या फिर बिना पढ़े हैं उनकी एक ही सोच है कि ज्यादा से ज्यादा आबादी बढ़ाना है, बच्चे ज्यादा पैदा करना है। बरखा जी, क्या आप भी ऐसा मानती हैं? क्योंकि अभी के जो आंकड़े हैं, हालांकि 1950 से 2015 के बीच के आंकड़े हैं, 2015 के बाद हो सकता है इसमें कुछ बदलाव हो? मैंने सारे पार्लियामेंटेरियंस को एक एक करके मिला था, नॉर्थ एवेन्यू साउथ एवेन्यू में जाकर, और उनसे इस समस्या के बारे में बातचीत करी थी, और मैंने पहले काफी पहले ये बात कही थी कि मुस्लिम माइनॉरिटी में नहीं मेजॉरिटी में, आप तो आंकड़ों के बेसिस पे कह रही हो लेकिन ये तो बात हम जमीनी हर देखते हैं ना, जब हम घरों में जाते हैं तो वो बताते हैं तो 4-5 बच्चों के नाम है लेकिन अंदर 11 की फौज होती है, उनके नाम तक नहीं चढ़वाते हैं, तो ये इनको सिखाया जाता है
और ये पूरे वर्ल्ड में इनको सिखाया जाता है, इनके जो कौन सिखाता है? है वो इन्हें सिखाते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करोगे तो ही पावर में आओगे, जबकि इन्हें पता है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, इतनी बढ़ रही है जनसंख्या, हमारे पास संसाधन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये लगातार जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि इसी से ये हमें सुपर सीट करेंगे, हिंदुओं को दबाना चाहते हैं, लेकिन हिंदुओं के अंदर कूट कूट करके हमारे जो प्रधानमंत्री जो रहे हैं या दूसरे मंत्री जो हमेशा रहे हैं, उन्होंने हमेशा अच्छी एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई बच्चों की, इसके ऊपर कंसंट्रेट किया। हिंदू हमेशा एक या दो बच्चे पैदा करता, आप गरीब हिंदू को भी देख लीजिए, उधर भी दो तीन बच्चों से ज्यादा नहीं होते, जो मैं गरीब कह रही हूँ, उनके इलाज नहीं हो पाते, उनको भी आज समझ आ गई, क्योंकि जब वो घरों में काम करने जाते हैं वहां पे भी उन्हें समझाया जाता है कि ज्यादा बच्चे करोगे तो कहाँ से आएंगे, उस पैसे कहाँ से आएंगे, उन्हें पढ़ाओगे लिखाओगे कैसे, अच्छा नागरिक कैसे बनाओगे, लेकिन ये नहीं समझेंगे। बरखा जी का कहना है कि जानबूझकर ये किया जा रहा है और सिखाया जाता है नहीं कि अगर संख्या बढ़ेगी तभी देश पर कब्जा हो पाएगा। शाहबुद्दीन जी से मैं सवाल का जवाब जरूर जानना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले प्रमोद मिश्रा जी, प्रमोद मिश्रा जी, अगर हम कुछ दशक पहले चले जाएं, अगर हम अपने पेरेंट्स के जमाने का जिक्र करें, तो उस वक्त 6, 8, 10 बच्चे भी गांव देहात के इलाकों में हुआ करते थे। वक्त बदला है, समय बदला है, अब कुछ दशक बाद हम देख रहे हैं तो वहां पर 1 या 2 बच्चे प्रेफर करते हैं, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है, जो मैं जानती हूँ, जो पढ़ी लिखी फैमिलीज हैं, लेकिन गांव देहात में आप चले जाइए तो आज भी 3-4 बच्चे हिंदू फैमिलीज में भी हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि ये जो अशिक्षा है या फिर अज्ञान है ये मुस्लिम में ज्यादा है, आप भी ऐसा मानते हैं? बिल्कुल रचना जी, जैसे अभी एक चर्चा चल रही थी पिछले समय के बारे में, तो जैसे कि एक टारगेट होता है, जैसे कि रावत साहब भी बता रहे थे, टारगेट जो होता है वो टारगेट पहले भी था, वो टारगेट 1440 वर्ष पहले से शुरू हुआ, वो टारगेट आज भी चल रहा है, और इसका लगभग 200 वर्ष पीछे में देखेंगे आप, चाहे वो ईरान को देखें, चाहे वो अफगानिस्तान को देखें, आप पाकिस्तान को देखें और भी आसपास जो देश हैं इनको देखते हैं, तो ये मिलता है कि वो आज भी, चाहे वो 1950 हो, चाहे वो 1930 हो, चाहे वो आज 2024 हो, स्थिति वही की वही है। और रही बात जो आपने बताया कि हाँ गांव क्षेत्र में अभी भी कुछ गरीब या निर्धन असहाय फैमिली है जो कि अशिक्षित है लोग, ऐसा नहीं है, हिंदुओं की, मैं भी गांव से रहने वाला हूँ, मैं भी अयोध्या से हूँ, गांव से मैं भी वही पला बड़ा हूँ, वही पढ़ाई लिखाई हुई है, आज भी जाता हूँ, देखता हूँ, लेकिन वहाँ सुधार है, हिंदुओं में सुधार है, लेकिन जो मुसलमानों के गाँव थे, आज भी जहाँ फिर उनके गाँव है वहाँ कई, इसलिए कह देते हैं कि जहाँ 20-22 गांव की जनसंख्या वो एक गांव में मिलती है, आप गांव से जा नहीं सकते, मतलब इस तरह विस्तार हो रहा है, और लगातार मैं अगर देखूं एक पास के गांव है और वहां का अगर देखा हमने कि जो इसके 10 साल पहले की स्थिति थी आज 4 गुना स्थिति ज्यादा है, तो क्या शिक्षा नहीं है, क्या वहां मौलवी नहीं है, मौलाना नहीं है, मदरसा नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी कंडीशन आज की वही वही है, और बड़ी स्पीड से जो कि मौलाना शिक्षा देने जाते हैं, मौलवी पढ़ाने जाते हैं, वो यही पढ़ाते हैं कि भैया जो हमारा कुरान कहता है, हमारा हदीस कहता है, हमारा जो धर्म ग्रंथ हमारा कहता है उसको करो, बाकी हमें किसी की नहीं सुननी, ना किसी की सुनने की जरूरत है, तो आज भी उसी रास्ते पे चल रहे, कहीं भी कोई शाहबुद्दीन जी से मैं पूछ लेती हूँ, मैंने पहला सवाल मौलाना शाहबुद्दीन जी से ही किया था और उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है, भारत में मुस्लिम खुद को सेफ सिक्योर समझते हैं, लेकिन जहां पर अशिक्षा है वहां पर बच्चे ज्यादा हैं। शाहबुद्दीन जी, लेकिन जो बाकी पैनलिस्ट हैं वो ये क्यों कह रहे हैं कि इन्हें सिखाया जाता है कि संख्या बढ़ा लो, देश पर अधिकार तभी मिलेगा, और ये जो आंकड़े हैं 43% से ज्यादा मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है, क्या ये इसी तरफ इशारा है? देखिए, पहला जो आपका सवाल है इंडिया न्यूज का कि हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में नहीं है, हिंदुस्तान में मुसलमान महफूज है और हर एतबार से महफूज है। जो लोग हैं पॉलिटिकल लोग हैं, वो पॉलिटिकल लोग अपना वोट बैंक के लिए इस तरह की बातें करते हैं कि मुसलमान खतरे में है, खतरे में है, संविधान खतरे में है, ना संविधान खतरे में है, ना जमहूरियत खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, यहाँ हर चीज़ जो है वो महफूज है और सही व सालिम है। दूसरी बात, जो हमारे एक मशहूर धर्मगुरु हैं डॉक्टर H.S. रावत साहब कह रहे थे, तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा मौलवी, मौलाना, आलिम या कोई मुस्लिम संगठन ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो,
और हमें जो है वो राष्ट्र पे कब्जा करना है, मुझे ऐसी कोई तहरीक नहीं है और ना ऐसा कोई आंदोलन चलता है ना ऐसा कहीं कहा जाता है। मैंने आपकी बात बहुत संजीदगी से सुनी है, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोला हूँ और ऐसा ही है, आप जो है मेरी ही बात में आप अच्छा, ना बोले जब बात आपको बता मौका मिले तो आप आपने कहा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसा कहती हैं कि मुसलमान खतरे में हैं या फिर संविधान खतरे में है। मान लिया कि ये राजनेताओं का काम है, ये कुछ दलों का काम है, आप तो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, आपने शुरुआत में कहा कि मुसलमान भारत में खतरे में नहीं है, वो आजादी से अपने अधिकारों के साथ रह रहे हैं, ये अच्छी पॉजिटिव बात है, लेकिन आपने कहा ज्यादा बच्चे आज भी हो रहे हैं क्योंकि अशिक्षा बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, इसीलिए ये ज्यादा बच्चों की तादाद कम नहीं हो रही। तो बतौर मुस्लिम धर्म गुरु आपने ये जागरूकता फैलाई, आप पहुंचे उन परिवारों के पास जहां बच्चे ज्यादा हैं, उन्हें समझाया? हम तो हमेशा हर रोज हमारे प्रोग्राम रहते हैं, मजहबी जलसे जुलूस रहते हैं, हम इस बात को बताते हैं कि अच्छी तालीम और तरबियत दी जाए। अब चूंकि बहुत सारे ऐसे आबादी है, एक बहुत बड़ी आबादी है जो गरीब है, तो वो बच्चे बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाती। आजकल आप देखिए स्कूलों में कितनी लंबी चौड़ी फीस है, फिर किताबों की खरीदारी है और बहुत सारे अखराजात हैं, वो प्रोवाइड नहीं कर पाते। कम से कम 20 से 25 ऐसे परिवार हैं, मैं जाती तौर पर उनकी फीस अदा करता हूं, ऐसे गरीब परिवार हैं। बहुत अच्छी बात तो है। सबसे पहले गवर्नमेंट को ये काम करना अगर चाहिए। आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं, शिक्षा पे काम करना चाहिए। अगर आप बुरा ना माने तो मैं पूछ लूं आपके कितने बच्चे हैं और आपके फैमिली में जो परिवार है, जो फैमिली है, वहाँ बच्चों की संख्या क्या है? हाँ बिल्कुल, मैं बताता हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, मेरी 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, और एक बेटी हमारी उसने LLM किया है और एक कॉलेज में पढ़ा रही है, दूसरा बेटा हमारा डॉक्टर है, वो हॉस्पिटल में बैठता है, तीसरा बेटा जो है वो भी मेडिकल एजुकेशन ले रहा है, तो इस तरीके से हमारी फैमिली है। अच्छी बात है, अपनी अच्छे आपने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी है, आप अप्रिशिएबल है। पैनलिस्ट बैठे हैं, सबसे पूछिए। लेकिन आप, हाँ मैं पूछूंगी उनसे, मैं उनसे पूछना इसलिए चाह रही थी, हाँ मैं सबसे पूछ लूंगी। मैं ये भी पूछना चाहती थी ना कि शुरुआत चूंकि पहले अपने घर से होती है, अगर आपने कहा कि हाँ मैं अवेयर करता हूँ, हो सकता है चूंकि आपकी उम्र जिस लिहाज से है उस समय इतनी जागरूकता नहीं होगी, लेकिन आपके जो 4 बच्चे हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उन्हें सीख दी होगी कि आगे कैसे कंट्रोल में रखनी है जनसंख्या, और 1 या 2 बच्चे ही हों तो वह बेहतर रहेगा। आपने अप्रिशिएबल काम किया, अपने 4 बच्चों को अपने अच्छी तालीम दी है। HS गुरु जी, शाहबुद्दीन जी चाहते हैं कि एक एक करके मैं सबसे पूछ लूँ आपके कितने बच्चे हैं, तो शुरुआत आपसे कर लेती हूँ। मेरे से शुरुआत करिए, मेरी बेटी MBBS डॉक्टर सर्जन है। कितने बच्चे हैं पहले ये बताइए? 4 बच्चे हैं और उनकी भी मैं बात बताता हूँ पूरी की पूरी। पहली बेटी मेरी डॉक्टर है, हमारा और दूसरा बेटा LLM है, उसने भी LLM किया हुआ है और वो एस्ट्रोलॉजर है। एक बेटा मेरा आर्किटेक्ट है, MArch है, वो भी एस्ट्रोलॉजी कर रहा है दोनों वो। और तीसरी चौथी बेटी है मेरी, वो IAS UPSC की तैयारी कर रही है। अब मेरे 2 ही बच्चे थे पहले, 2 बच्चे के बाद में मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, और जब अच्छे ग्रहों की गति आई तो मैंने ऑपरेशन को खुलवा करके दोबारा से 2 बच्चे और पैदा किए। अच्छा, यानी ये योजना के तहत, योजना के तहत आपने पहले 2 बच्चे आपके थे, ये योजना के तहत 2 बच्चे थे, लेकिन 2 बच्चे मैंने रिसर्च के और अच्छे ग्रह नक्षत्र देखे हैं, इसके लिए अच्छा भविष्य चाहिए। अच्छा अच्छा, तो फिर तो आपको इतनी चुपते हुए बयान नहीं देने चाहिए थे। अच्छा रावत जी, पर्सनली आपने कहा ये लोग संख्या बढ़ाते हैं, ये लोग संख्या बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। प्रमोद मिश्रा जी, घर पे मेरे बच्चे उच्च कोटि के शिक्षित और देश की सेवा कर रहे हैं। अरे आप देखिए ना, शाहबुद्दीन जी ने अपने बच्चों को कितनी अच्छी तालीम दी है, आप ये भी तो देखिए। प्रमोद मिश्रा जी, अब आपका नंबर है। प्रमोद मिश्रा जी, अब आपका नंबर है। बिल्कुल रचना जी, बिल्कुल रचना जी, अच्छी बात कर रहा हूँ। 2 बच्चे हैं, बेटा एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा है और ज्योतिष की पढ़ाई कर रहा है अभी, और फर्स्ट ईयर उसका है, और बेटी है जो कि संस्कृत के प्रोफेसर बनने के लिए संस्कृत की तैयारी कर रही है, और भविष्य में वो भी देश की सेवा में, समाज की सेवा में संस्कृत शिक्षा देगी, ये बेटी कर रही है। और बेटा ज्योतिष क्षेत्र में, जैसा कि राव साहब ने अपने एक बच्चे को, मैं उनका बराबर संपर्क रहता हूँ उनसे, तो जैसे ज्योतिष पढ़ाया और समाज को अपनी सेवा दे रहे हैं, मेरा बेटा अभी ज्योतिष क्षेत्र में ही है। बेटा और बेटी 2 ही बच्चे, बहुत अच्छी बात है।
बरखा जी आपका नंबर है, हालांकि महिलाओं की डिग्निटी का मैं ख्याल रखती हूँ, ऐसे सवालों से बचती हूँ, लेकिन ये पैनलिस्ट की डिमांड है, आप अगर कंफर्टेबल है तो प्लीज। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम सब बराबर हैं और महिला पुरुष सब बराबर होते। मेरा एक ही बेटा है जो कि अभी पढ़ रहा है, लेकिन मेरा धर्म गुरु जो मुस्लिम धर्म गुरु उनसे एक सवाल है, अगर इतना ही एजुकेशन की तरफ ये ध्यान देते हैं इनके धर्म गुरु सारे जितने भी हैं, तो हिजाब के टाइम पे ये क्यों नहीं आ गया है? मैंने सैकड़ों डिबेट्स करी थी, इन्होंने अपनी बेटियों के पैरों में हिजाब की बेड़ियां डाल रखी हैं, बेटियां तो पढ़ ही नहीं सकती, जब बेटी ही नहीं पढ़ेगी तो परिवार कैसे पढ़ेगा, परिवार में कैसे कुछ समझदारी आएगी कि कितने बच्चे पैदा करने, उनकी परवरिश कैसे होगी? तो ये बहुत बड़ा सवाल है, ये टीवी पे बोलना और ग्राउंड रियलिटी बहुत फर्क है। नहीं, हमने तो ग्राउंड पर रियलिटी ग्राउंड पर रियलिटी देख ली ना। शाहबुद्दीन जी हमारे साथ जुड़े, चार बच्चे हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि अगर आप अब से 20-30 साल पीछे चले जाएं तो उतना ज्यादा अवेयरनेस पहले नहीं थी, उस टाइम पर 3-4-5 बच्चे होना नॉर्मल था, आज के टाइम पर लोगों के 1 या 2 बच्चे होते हैं, इससे ज्यादा लोग बढ़ते नहीं हैं। मैं मुस्लिम फैमिलीज की भी बात करूंगी जो पढ़ी लिखी हैं, जो जानती हैं कि बच्चे पैदा करना मतलब उनकी जिम्मेदारी और अच्छी तालीम देना हमारी जिम्मेदारी है, वहां पर बच्चों की संख्या जो है वो सीमित है। लेकिन शाहबुद्दीन जी, चूंकि बरखा जी ने, हाँ जी बोलिए अजय सावत जी, मैं तो कहना चाहूंगा कि आप जो जो हिंदू हैं, जो अच्छा पढ़ा सकते हैं, अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, तो बच्चे पैदा करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बशर्ते उनकी एजुकेशन प्रॉपर और देश की सेवा करें। अब ये नहीं खाली रिक्शे चला रहे हैं, एचएस रावत जी अब आप बदल गए, कहीं पे जाके बम फोड़ दिया, कहीं पर जाके वो काम नहीं होना चाहिए। अब आप कह रहे हैं केपेबल हैं अगर पढ़ाने लिखाने में तो चार बच्चों में दिक्कत नहीं, अब आप बदल गए, अब आपके सुर बदल गए हैं, पहले आप कह रहे थे ये लोग जनसंख्या बढ़ाते हैं, अब मेरा सवाल शाहबुद्दीन जी से, यही बढ़ा रहे हैं इनके, अब मेरा सवाल शाहबुद्दीन जी से है, अब मेरा सवाल नहीं, देखिए मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, सबके हाथ में 5 उंगली, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसीलिए हर धर्म में हर तरह के लोग रहते हैं, अपराधी हिंदू भी होते हैं, अपराधी मुस्लिम भी होते हैं, बाकी धर्म से भी होते हैं, तो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो मुसलमान भी आजाद हुए, हिंदू भी आजाद हुए, मुझे लगता है जनसंख्या, इनकी एजुकेशन भी वही मिली जो हमें मिली, तो इनकी इनकी 43% क्यों बढ़ गई? वो बताया ना उन्होंने शाहबुद्दीन जी ने, जहाँ अशिक्षा है वहाँ आज भी ये सिलसिला जारी है, जो पहले के टाइम पर ज्यादा बच्चे हो गए ना, उन्हें अच्छे से पढ़ाया नहीं गया, उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिली, वो कामयाब नहीं हो पाए, इसीलिए अशिक्षा है, शिक्षा का अभाव है, जिसकी वजह से जनसंख्या बढ़ रही है। चूंकि समय की कमी है, मैं शाहबुद्दीन जी से आखिरी सवाल नहीं ले पाई। एचएस रावत जी, प्रमोद मिश्रा जी, बरखा जी और शाहबुद्दीन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपके बच्चों के बारे में जानकर और जनसंख्या के बारे में डिस्कस करके।